आज हम देखेंगे गॉस थ्योरम। गॉस का प्रमेय, और ये प्रमेय जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर है, और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स को उसने कैलकुलेट किया है किसी क्लोज्ड सरफेस के लिए, किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला क्लोज सरफेस टोटल फ्लक्स को। उसने ये बतलाया कि यदि कोई हमारे पास क्लोज सरफेस है जिसका टोटल सरफेस एरिया ये है, और यदि कोई चार्ज क्यू इसके अंदर है, तो इस चार्ज क्यू की वजह से जो टोटल फ्लक्स इस सरफेस से आएगा बाहर, उसकी वैल्यूज होती है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, यदि ये वैक्यूम में है या एयर में है, और यदि किसी वो मीडियम में है तो क्यू इप्सालन जीरो किसी मीडियम के लिए जहां पर इप्सालन और इप्सालन नॉट जो है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है। ये उस कंडीशन में है जबकि ये चार्ज जो है इनसाइड है, यदि ये चार्ज बाहर है उस कंडीशन में जो फ्लक्स है टोटल फ्लक्स वो जीरो होता है। इसके दो स्टेटमेंट हो जाएंगे, पहले में जो फ्लक्स है वो यदि वैक्यूम और एयर है तो क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, और यदि कोई मीडियम है तो क्यू अपन एप्सिलॉन। दूसरी कंडीशन है यदि वो बाहर है, उस कंडीशन में जो फ्लक्स है टोटल वो हो जाएगा जीरो। इलेक्ट्रिक लाइंस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। यदि कोई प्लस चार्ज है तो ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस हैं ये आउटगोइंग होती हैं, बाहर की तरफ होती हैं, और यदि कोई माइनस चार्ज है तो ये लाइंस जो हैं वो इनसाइड होती हैं। लेकिन यदि प्लस और माइनस चार्ज है तो प्लस से माइनस की ओर लाइंस जाएंगी, बाहर इस तरह से आएगा और इसका बाहर इस तरह से जाएगा। यदि सेम नेचर के चार्जेस हैं, या प्लस प्लस या माइनस माइनस, उस कंडीशन में जो लाइंस हैं ये रिपल करेंगी, और इलेक्ट्रिक लाइंस इस तरह से आउटगोइंग होंगी, रिपल्सन होगा सेम कंडीशन में। इस केस में भी उसी तरह से होना है। यदि कोई डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है कि ये प्लस चार्ज एक तरफ माइनस चार्ज एक तरफ, तो इलेक्ट्रिक लाइंस जो है स्ट्रेट होंगी, हाई से लो, हाई टू लो पोटेंशियल, और इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान विद्युत क्षेत्र। और इसका मतलब यह है कि किसी भी पॉइंट पर यदि इंटेंसिटी हम लें तो इंटेंसिटी जो है वो इक्वल होगी। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कुछ बेसिक बता दूं कि जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है
उसका एक्सप्रेशन, यदि कोई चार्ज क्यू है, सपोज हमने प्लस चार्ज लिया है, तो इससे आर डिस्टेंस पर कोई स्पेसिमेन चार्ज है, तो इस पॉइंट पर जहां पर चार्ज है इंटेंसिटी 1/4πε0 q/r² होती है। ये फार्मूला जो है वो फोर्स के रूप में है, लेकिन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का एक डेफिनेशन फोर्स के रूप में है और एक डेफिनेशन जो है फ्लक्स के रूप में है। फ्लक्स आर नथिंग बट दीज आर द परपेंडिकुलर लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस। सपोज हमारे पास कोई एक सरफेस है, इसमें से कई लाइंस जो है पार हो रही हैं, इनमें से वो लाइंस जो कि एग्जैक्ट परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर लाइंस, दैट नंबर इज नॉट फ्लक्स, और इसको हम स्केलर क्वांटिटी फाई एस से डिनोट करते हैं क्योंकि ये नंबर है। अब ये इंटेंसिटी की डेफिनेशन फ्लक्स और फोर्स के फॉर्म में हमने देखा। फोर्स के फॉर्म में दिस इज द टोटल फोर्स ऑन द यूनिट चार्ज, जैसा कि हमने यहां पर चार्ज क्यू जीरो लिया था, और इस पर यदि कूलम्ब फोर्स एफ एक्ट कर रहा है तो वो कूलम्ब फोर्स 1/4πε0 q q0 r² r होता, क्योंकि हमने इंटेंसिटी का डेफिनेशन है दिस इज द फोर्स पर यूनिट चार्ज। सो E का एक्सप्रेशन हो जाएगा F/Q0, और इसलिए फॉर्मूला आया 1/4πε0 q/r². अब इन द फॉर्म ऑफ द फ्लक्स हम देखते हैं, ये कोई सरफेस है, इस सरफेस के यूनिट यूनिट एरिया, टोटल यूनिट एरिया से जो फ्लक्स जाएगा वही हमारी इंटेंसिटी कहलाती है। कोई सरफेस के किसी पॉइंट पर यदि इंटेंसिटी ई है, तो इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पर जो हमने यूनिट एरिया लिया उससे जितना फ्लक्स होगा वही हमारा इंटेंसिटी ई है। तो जब भी हम ई को लेंगे तो दैट इज द फ्लक्स होगा पर यूनिट एरिया। यदि कोई सरफेस है, इसे यदि लाइंस आउटगोइंग है, बाहर निकल रही हैं, तो फ्लक्स पॉजिटिव होता। यदि वो लाइंस इनकमिंग है तो फ्लक्स निगेटिव होता है। सपोज हमने एक सरफेस एस कंसीडर किया है, इसके किसी पॉइंट पर ई की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ई। अब इस पर हमने एक स्मॉल एरिया लिया, एरिया का डायरेक्शन परपेंडिकुलर होता है, सपोज मैंने ये लिया, और इन दोनों के बीच का एंगल यदि वो थीटा है, क्योंकि ई और डी एस दोनों एरिया जो है दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है, इसलिए ई का डेफिनेशन ये फ्लक्स पर यूनिट एरिया है। अब हमें जब हम इन दोनों का फ्लक्स निकालेंगे, इस एरिया से रिलेटेड फ्लक्स को यदि मैं डी फाई से डिनोट करूं तो वो होगा एरिया टोटल एरिया, और ई का इसी के कंपोनेंट अलोंग डी एस के अलोंग कंपोनेंट लेंगे, कंपोनेंट घटक ऑफ ई अलोंग डी एस, एरिया के अनुदेश ई का घटक, क्योंकि ई इस डायरेक्शन पे है और डी एस हमारा इस डायरेक्शन में है, यदि इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है
तो इस डायरेक्शन में E का कंपोनेंट हो जाएगा। इस तरह से ये जो रिलेटेड फ्लक्स है, एरिया है, टोटल मैंने लिया है ds, और अब इसका कंपोनेंट हो जाएगा E cos थीटा। ये ds यहां नहीं रहेगा, E cos थीटा। इस तरह से ये दोनों जो हुए वे वैल्यूज हो गया E डॉट ds। इसलिए यदि टोटल सरफेस से मुझे फ्लक्स की वैल्यूज ज्ञात करनी है तो इस पूरे सरफेस को हम ऐसे ही स्मॉल एरियाज जो इक्वल ds, 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 ds से हम मिलकर बना मान सकते हैं। इसलिए यदि मुझे टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो मैं सरफेस इंटीग्रेशन कर दूंगा d phi का, और इस तरह से अब ये फ्लक्स जो है उसका एक्सप्रेशन आएगा सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E। तो इस तरह से हम किसी एरिया पर हम फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। अब दो तीन कंडीशन हमारे पास आ सकती है। हमने फ्लक्स का मान देखा था टोटल सरफेस इंटीग्रेशन ds, या स्मॉल एरिया से रिलेटेड फ्लक्स जो है E डॉट ds, या E ds cos थीटा। यदि इंटेंसिटी का डायरेक्शन है ये, और जो एरिया लिया है वो भी डायरेक्शन इसी में है, अर्थात जो E है ये परपेंडिकुलर है सरफेस के, उस कंडीशन में जो थीटा है वो 0 डिग्री होगा, और यहां पर हम थीटा की वैल्यूज रखेंगे तो डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 इज इक्वल टू 1, हेंस डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस। इस कंडीशन में ये मैक्सिमम हो रहा है। E का डायरेक्शन ये है और एरिया इस तरह से लिया है, उस कंडीशन में इन दोनों के बीच का एंगल है फाई अपॉन टू और 90 डिग्री, और अब हमने d फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा की जगह हम रखेंगे ई डी एस कॉस फाई अपॉन टू, और कॉस फाई अपॉन टू या कॉस 90 इज इक्वल टू होता है 0, और इस कंडीशन में डी फाई इज इक्वल टू 0। जो आप देख रहे हैं कि सारी लाइंस तो है ये बाहर इस तरह से जा रही हैं, इसके परपेंडिकुलर कोई भी लाइंस नहीं है, इसलिए जो फ्लक्स है वो क्या है, 0। मेरे पास एक सरफेस एस है, इसका टोटल एरिया है एस, इसके किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी है ई। यदि मैंने एक सरफेस पर ही एक स्मॉल एरिया कंसीडर किया डी एस, यदि इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा, तो अब मैं ई का कंपोनेंट डी एस के अलोंग लू जाऊंगा ई कॉस थीटा। अब क्योंकि मेरा फ्लक्स जो है इस स्मॉल एरिया से रिलेटेड फ्लक्स डी फाई इज इक्वल टू E डॉट डी एस, इसलिए टोटल सरफेस S से रिलेटेड फ्लक्स ये सरफेस इंटीग्रेशन डी फाई, अर्थात सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट डी एस होगा। क्योंकि अब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए थीटा इज इक्वल टू 0, और अब मैं जब इसको एक्सपांड करूंगा ये हो जाएगा E ds cos 0, cos 0 is equal to 1, और phi is equal to हो जाएगा
EDS, क्योंकि E जो है कांस्टेंट है इसलिए इंटीग्रेशन के बाहर आएगा और दैट इज द ds। यहां पर ये जो इंटीग्रेशन है, ये जो टोटल इंटीग्रेशन है जो कि टोटल s पर लिया गया है, इसका मतलब है ये सारे सरफेस को हमने इक्वल, ऐसे ही इक्वल एरियाज में हमने डिवाइड माना इसको, और ये सब मिलकर इंटीग्रेट होकर क्या दे रहे हैं, टोटल एरिया s। इसलिए सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू हो जाएगा s टोटल एरिया, एंड हैज द टोटल फ्लक्स रिलेटेड टू द सरफेस विल बी द ES। यदि सेम कंडीशन हमने बताया, यदि इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है तो सरफेस पर फ्लक्स हो जाएगा जीरो। तीसरी जो चीज है वो है सॉलिड एंगल, इसको कहते हैं घन कोण। एक्चुअल में जो एंगल है कोण, ये होता है चाप बटा त्रिज्या। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये हमेशा एंगल जो है ये 2D होता है और टू लाइंस के बीच में होता है। सपोज लाइन ओ ए एंड वी हैव द अनदर लाइन ओ बी, देन दिस एंगल इज इक्वल टू दिस। यदि मैंने इसको ये लिया आर्क, आर्क ए बी हो जाएगा, यहां से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यदि आर है तो देन एंगल थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन आर। यह है 2D की कंडीशन में। लेकिन यदि इस लाइन, ये जो आर्क है, इसकी जगह मैं यदि एक सरफेस ले लूं, सपोज ये सरफेस मैंने ds लिया, टोटल एरिया इसका ds है, तो अब ये जो टोटल सरफेस है, ये जो टोटल सरफेस है ये इस पॉइंट O पर एक 3D एंगल फॉर्म कर रहा है, यही कहलाता है हमारा सॉलिड एंगल, या इसी को कहते हैं हम घन कोण। और ये जैसे आर्क है, आर की जगह हम यहां क्या लेंगे, एरिया, एंड द रेडियस की जगह हम लेते हैं डिस्टेंस का स्क्वायर, और इट इज डिनोटेड स्मॉल एरिया यदि है तो ये सॉलिड एंगल या घन कोण को हमने डिनोट किया डी ओमेगा से। अतः डी ओमेगा इज इक्वल टू एरिया, यदि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है आर है तो आर स्क्वायर हम लेंगे। एक्चुअल में हमें कोई भी वैल्यूज जो है वो मैक्सिमम फाइंड आउट करनी होती है, इसलिए चूंकि हमने लिया था ओमेगा इज इक्वल टू दिस, तो ये डी एस अपॉन आर स्क्वायर, इसका मान मैक्सिमम होने के लिए ये वैल्यूज क्या है, मिनिमम होनी चाहिए डिस्टेंस। क्योंकि यहां पर आप देखो, ये जो इस एग्जांपल में हम देखेंगे, जितने भी डिस्टेंस है, चाहे वो ये डिस्टेंस हो या ये डिस्टेंस हो, ये सब अधिक है, लेकिन ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है ये सबसे मिनिमम डिस्टेंस होता है। इसलिए यहां पर जो डिस्टेंस लिया गया है दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां पर हमने लिया, जिसकी वजह से ये वैल्यूज जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी। इसलिए डी ओमेगा इज इक्वल टू एरिया अपॉन आर स्क्वायर। सपोज मैंने ये एक कोई क्लोज सरफेस लिया है, स्फेरिकल, ये 3D है, 3D है, टोटल सरफेस एरिया एस है और ये क्लोज्ड है, तो इसके अंदर कोई पॉइंट पी पर इस पूरे क्लोज सरफेस के द्वारा, इस टोटल सरफेस के द्वारा, ये जो टोटल सरफेस एस है इसके द्वारा इस पॉइंट पी पर टोटल जो एंगल जो बनेगा वो बनता है 4π। इसलिए टोटल सॉलिड एंगल बाय एनी क्लोज्ड
सरफेस इज इक्वल टू 4 पाई। अब ये कैलकुलेशन कैसा किया जाए, माना कि मेरे पास एक क्लोज्ड सरफेस है एस, इसके अंदर कोई पॉइंट है पी, इस क्लोज सरफेस पॉइंट पी पर मैंने चार्ज रखा है प्लस क्यू, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से सपोज इंटेंसिटी है ई इस डायरेक्शन में। अब यहीं पर जहां पर मैंने ये लिया, यहां पर मैंने एक क्लोज सरफेस ले लिया है जिसका टोटल एरिया है डी एस, तो ये मैंने क्लोज सरफेस लिया डी एस, यदि इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है तो डी एस के अलोंग, डी एस के अलोंग, इस एरिया के अलोंग, क्योंकि हमें जो फ्लक्स निकलेगा इस एरिया पर से वो होगा एरिया इनटू कंपोनेंट ऑफ ई अलोंग डी एस, अर्थात क्षेत्र और क्षेत्र की दिशा में ई का घटक, तो इसके बीच में एंगल थीटा है इसलिए इसके अलोंग इसका कंपोनेंट हो जाएगा ई कॉस थीटा, अतः जो फ्लक्स आया वो आया एरिया डी एस इंटू इसके अलोंग इसका कंपोनेंट, ये दैट इज द डी एस ई कॉस थीटा, और ये हमारा हो जाएगा ई डॉट डी एस, क्योंकि इनके बीच का एंगल थीटा है। अब मैं ई की वैल्यूज जो है, सपोज ये डिस्टेंस जो है यहां से यहां तक का आर है, तो ई की वैल्यूज हो जाएगी 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इस वैल्यूज को हम यहां पर रखेंगे इस वैल्यूज पर, तो हमारा डी फाई इज इक्वल टू आया 1/4π0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी एस, डी एस कॉस थीटा, इस जगह पर हमने रखा ये डी एस कॉस थीटा, डी एस कॉस थीटा इसके अलोंग ई के अलोंग डी एस का क्या है कंपोनेंट है। तो ये एरिया हो गया डी एस कॉस थीटा, एरिया हो गया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस है आर स्क्वायर, तो ये सॉलिड एंगल के बराबर हो जाएगा, और इस तरह से अब ये आएगा क्यू अपॉन 4πε0 डी ओमेगा। हेंस इस पूरे सरफेस एस से जो फ्लक्स होगा वो हो जाएगा सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ पाई, इसलिए डी फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 डी ओमेगा। यहां से हमने क्यू 4πε0 को बाहर निकाला और ये टोटल, इसका मतलब ये है इंटीग्रेशन, जो सरफेस इंटीग्रेशन एस डी डब्ल्यू का मतलब है ये होल सरफेस के द्वारा इसी पॉइंट पर टोटल सॉलिड एंगल, और वो सॉलिड एंगल होता है 4π, इसलिए इस इंटीग्रेशन की वैल्यूज हो जाएगी 4π, और इसलिए फाई एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4π0 इंटू 4π, 4π कटा क्यू अपॉन ε0। दैट इज द गॉस का फर्स्ट स्टेटमेंट है। हमने स्टेटमेंट पहले ये कहा था, पहला स्टेटमेंट गॉस थ्योरम का है, फॉर एनी क्लोज सरफेस इफ द चार्ज इज इनसाइड द सरफेस देन द टोटल फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम दिस क्लोज सरफेस विल बी द क्यू अपॉन
इप्सिलॉन जीरो, वन अपॉन इप्सिलॉन जीरो टाइम्स। ये उस कंडीशन में यदि किसी बंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश क्यू है तो उस पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स क्यू अपॉन वन अपॉन इप्सिलॉन जीरो या टोटल चार्ज या आवेश का एक बटा इप्सिलॉन जीरो टाइम्स होता है। यह उस कंडीशन में जबकि हमने मीडियम जो है वो एयर या वैक्यूम हमने रखा, यदि इसकी जगह कोई और मीडियम हो एयर और वैक्यूम की जगह, तो हमने उस मीडियम की परमिटिविटी रखते हैं और टोटल फ्लक्स जो हमारा आता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन। लेकिन यदि ये चार्ज यहां अंदर पे ना होकर कर यदि ये बाहर है, चार्ज यदि सरफेस से बाहर है, तो अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसके अंदर नहीं होगा, इसलिए जो नेट फ्लक्स जो होगा वो जीरो। हमें ये प्रूफ करना है। इसके लिए हमने क्लोज सरफेस, ये दिखने के लिए टूटी है लेकिन हमने क्लोज सरफेस लिया है। अब चार्ज को हमने पॉइंट पी जो है ये बाहर है और इस पर हमने प्लस चार्ज रखा और इस तरह से इलेक्ट्रिक लाइंस जो है वो पास हो रही है बाहर। ये इस क्लोज सरफेस पर इसने दो एरिया लिया, पहला एरिया इसने कवर किया, सपोज उसको मैंने डी एस वन कह दिया, दूसरा एरिया मैंने ये लिया ये डी एस टू। आप देख रहे हैं कि जो इनकमिंग फ्लक्स है वो माइनस होती है और चूंकि डी फाइव इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू डी डब्ल्यू, दैट इज द इनकमिंग। इनकमिंग होने की वजह से ये क्या है, माइनस साइन। ये इनकमिंग फ्लक्स है ये डी एस वन पर, उसी तरह से डी एस टू पर आउटगोइंग है, ये फ्लक्स बाहर जा रहा है इसलिए आउटगोइंग है, प्लस क्यू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो डी ओमेगा। इसलिए नेट फ्लक्स इज इक्वल टू आउटगोइंग फ्लक्स माइनस इनकमिंग फ्लक्स, और आउटगोइंग फ्लक्स है प्लस क्यू और अपॉन एप्सिलॉन जीरो टी ओमेगा माइनस इनकमिंग फ्लक्स है, मॉडुलस पे ले लेंगे, माइनस क्यू और पाई एप्सिलॉन जीरो टी ओमेगा, और दैट इज द जीरो। इसलिए यदि चार्ज बाहर है, इफ द कोई क्लोज सरफेस है और चार्ज यदि बाहर है तो टोटल फ्लक्स ये डी एस वन डी एस टू, इसलिए नेट फ्लक्स जो होगा वो जीरो होता है। इस तरह से हमने गॉस का थ्योरम यहाँ पर प्रूव किया है।